प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल आपको रियल एस्टेट में ट्रेनिंग के साथ साथ एक्सपर्ट एडवाइस देने का भी काम करता है, उसके बिना फाइनेंशियल एडवाइस के ऊपर भी बात करता है। मैं हूं राजवंत सिंह मौली, रियल एस्टेट मेंटर, बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का जो टॉपिक है, लोग पूछते हैं कि लोन लेके काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिंपल सवाल आते हैं, ठीक है, जिनमें जो बच्चे हैं, नए हैं, यूथ है, जिनको अभी तजर्बा नहीं है, उनके सवाल जाए जाइए कि लोन लेना चाहिए या नहीं। मैं पिछले दिनों में एक भाई साहब की मोटिवेशन स्पीकर, जो सिर से थोड़े बाल नहीं हैं, गंजे हैं, तो उनके सुन रहा था। वो कहते जी लोन लेना ही नहीं चाहिए, उधारी की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं। मैं इससे, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा डिफर कर रहा है। मैं कहता हूँ लोन जो है ये, इसको यदि उल्ट कर दो, ना लो है ये, भाई लोन लेना ही नहीं, ना लो, जो भाई साहब की बात कर रहा हूँ मोटिवेशन स्पीकर की। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है अलग है। मैं चाहता हूँ कि यदि आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हैं, यदि आपके पास फाइनेंशियल अवेयरनेस है, तो लोन भी कुछ नहीं कहता आपको। ये देखने वाली बात यह है कि लोन लेके आपने वो पैसे को कहाँ लगाया, उसको खर्च किया है या उसको निवेश किया है। यदि लोन लेके आप निवेश कर लेते हो तो कोई बुराई नहीं है। यदि वो लोन लेके आपने घर के ऊपर लगा लिया, कार के ऊपर लगा लिया, शादी के ऊपर लगा दिया, या अपने बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन लेने के ऊपर लगा दिया, और किसी तरीके के शौक पूरे करने के ऊपर लगा दिया, तो वो लोन आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आपने ऐसा लोन नहीं लेना, फिर वो ऐसा लोन लेना तो फिर ना लो, फिर लोन लो ही ना। यदि आपने लोन को, लोन के पैसे को इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट कर लिया, पैसे को घोड़ा बना के अपना काम ले लिया, क्योंकि ये कहा जाता है मनी कैन बी कंपेयर्ड विद द रेस्टिव हॉर्स। मनी की जो तुलना है वो जिद्दी घोड़े के साथ, अड़ियल घोड़े के साथ और ताकतवर घोड़े के साथ की जा सकती है। यदि आप इसको घोड़ा बना लोगे, इसको नौकर बना लोगे, फिर ये आपके लिए काम करेगा, फिर कोई बुराई नहीं है। यदि सिर्फ पैसा इसलिए लेके कि हमने अपने शौक पूरे करने हैं, ये उधार लेके हम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हमारे एक जानकार, मेरा काफ़ी जानकार क्या, मेरे पार्टनर था, उसको पता नहीं क्या आदत थी, जहाँ से मर्जी लोन ले ले आप, जो मर्जी जहाँ भी मिलता है वो कहता भाई साहब क्या मिलता है, क्या जो लोन पे आता है क्या 12% 13%, तो इस हम इतना पैसा घुमा लेंगे इतना। आज वो 5 साल से अंडरग्राउंड हुआ पड़ा है, पता ही नहीं कहाँ है। तो ये लोन लेने की आदत ने गलत लोन जगह पे उसका जो लोन लग गया, लोन लेने की आदत ने जो उसका जो पैसा है उसको गलत जगह पर उसने अपना खर्च करके अपने आप को इस पोजीशन में ले आया कि वो मार्केट में लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इस बात से हमने बचना है। यदि आप लोन लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 2-3 एग्जांपल अभी भी दी थी पीछे, के बंदे ने 5 लाख रुपया बंदे के पास था, 20 लाख रुपया लोन ले के मकान लिया और उसको तोड़ के उसमें दुकानें निकाली, 45 लाख रुपये में मकान बेचा 6 महीने के अंदर अंदर उसने 19 लाख रुपया कमाया। और दूसरा बंदा जो 22 लाख रुपये का मकान था, 27 लाख में उसने खरीदा, लोन लिया, लोन लेने के बाद 1 साल में उसकी कीमत 70 लाख रुपये हो गई। ऐसा लोन क्या कहते हैं आपको? ये पैसा, मनी इज एक्सीलेंट सर्वेंट, ऐसा पैसा जो है वो आपको बहुत ही बढ़िया, आपके नौकर का काम करता है, आपके लिए काम करता है। यदि आप 10 से 5 काम कर रहे हो, 9 से 5 काम कर रहे हो, या शिफ्टों में काम कर रहे हो, पैसे के लिए काम करते हो, कर रहे हो, तो सारी उम्र पैसे के लिए काम ही करते रहोगे। कभी भी आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, कभी भी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। यदि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो तो आपको अपने साथ पैसे के ऊपर, पैसे को काम पर लगाना पड़ेगा। यदि आप अपने पैसे को काम पर लगाना शुरू कर दिया तो आप जल्द, बहुत जल्द ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हो। तो ये नहीं देखना कि पैसा किसका है, समझदार आदमी वही है जो दूसरे बंदे के पैसे से अपना काम चला ले, दूसरे बंदे का पैसा मतलब बैंक से लोन लेके भी काम चला ले। यदि आपके पास पैसा है तो ठीक है, अच्छी बात है, आपने अपने पैसा लगा लो। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि लोगों के पास अपना पैसा पड़ा फिर भी लोन लेते हैं।
कार का लोन लेना है, किसी कहीं और कोई घर लेना है, कुछ और लोगों मतलब दिखाने के लिए कि मैं ये लोन लेके घर लिया, और उस लोन में जो उसकी प्रॉपर्टी की जो एप्रिसिएशन हो जाती है वो यहाँ से यहाँ हो जाती है, और जो लोन का इंटरेस्ट है सिर्फ इतना का रहता है। सो इस तरीके से हमने बिल्कुल नहीं डरना लोन लेने से, सिर्फ ये देखना है कि हमने लोन की रकम को यूज़ कहाँ करना है, मिस यूज़ ना हो जाए। यदि मिस यूज़ हो गया तो आप प्रॉब्लम में आओगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम में नहीं आ सकती। दोस्तों इन बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हम ग्रो कर सकेंगे। OPM अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल्स स्किल, अदर पीपल्स टाइम, इसके साथ लोग काम कर रहे हैं, पहले भी कर रहे हैं, अब आगे भी करते रहेंगे, तो ये करना है, ज़रूर करना है। आप दो हाथों से इतना काम नहीं कर सकते, आप अपने पैसे से इतना काम नहीं कर सकते जो लोग बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जितने बड़े बड़े बिल्डर आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ और है, पता नहीं लोगों का कितना पैसा इनमें लगा हुआ है। इस बात से नहीं घबराना, घबराना है तो सिर्फ मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड से घबराना है। अपनी ज़िंदगी में फार्मूला अपना लो जो मैं M3 बोलता हूँ। M3 का मतलब है मनी मेकिंग, मनी मेकिंग का मतलब लोन ले लो, कहीं भी अपने जैसे मर्जी पैसा इंतजाम कर लो, फिर मनी, पहले मनी मेकिंग हो गया, फिर दूसरा मनी मैनेजिंग, पैसे को इंतजाम कैसे करना है, पैसे को काम पर कैसे लगाना है, आगे मनी मल्टीप्लाइंग, पैसे को बढ़ाना कैसे है, पैसे की विरासत को कैसे बढ़ाना है। अभी पिछले दिनों में मैंने वीडियो दी थी, अपने पैसे की शादी करो ताकि उसका वंश भी आगे बढ़ सके। सो आपने M3 का फार्मूला याद रखना है, लोन से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डरना वह है जहाँ आप उसको कंट्रोल ना कर सको। मनी कैन बी कंपेयर्ड विद ए रेस्टिव हॉर्स, मतलब अड़ियल घोड़ा है, ताकतवर घोड़ा है, वो आपको कहीं से कहीं लेके जा सकता है, लेकिन यदि आपको चलाना ना आया तो आपको कहीं ना कहीं खड्डे में गड्ढे में गिरा भी सकता है। आपके दरवाजे पे करोड़ रुपये की कार खड़ी है, लेकिन यदि आपको वो चलानी नहीं आती तो आप एक्सीडेंट कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी भी खराब, किसी की अपनी ज़िंदगी भी रिस्क में डालोगे, सामने वाले की ज़िंदगी भी रिस्क में डालोगे, और जो कार की कॉस्ट है वो भी रिस्क में डालोगे। सो हमने सीख के काम करना है, यदि हम सीख के काम कर देंगे तो हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं। लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर मैं तीसरी बार चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ, लोन की रकम को मिसयूज ना करना। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतने, बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मिलूँगा आपको, तो तब तक आप अपना ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, और इस पर चर्चा करना, कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा लो, ताकि इस तरीके की अर्जेंट वीडियो, कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सीखते जाओ, पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पढ़ेंगे हम तभी बढ़ेंगे हम, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द आपके सामने।